ये कितने की है ग्लेन पेडिक 21? 29,900 समथिंग। मैं जानता हूँ मेरी शक्ल बहुत आज अजीब लग रही होगी आप लोगों पर, शक्ल ऐसी भाई क्या करे। आज हुआ क्या कि आज मैं हेयर कट कराने गया तो मैंने देखा कि यार अब इधर आया हूँ तो उस तरह से शेव करा लेता हूँ। अब लग रहा हूँ ना भाई पप्पू भयानक, लग रहा है ना कवर बादशाह, खाते पीते घर का पंजाबी सरदार लौंडा, क्या कहते हैं उसको, मोना लौंडा। देखो तो कितनी चर्बी आ गई भाई की, भाई ऐसा लग रहा हूँ जैसे सुल्तानपुर का राजकुमार। मेरी शक्ल देख के मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नाम है सचिन प्रीत सिंह। चलिए कोई नहीं भाई, बहुत इतने मेरे को ना इरिटेशन होती है जब एक ही कमेंट 100 बार आता है। एक तो आप लोग मुझे कहते हो मेरी शक्ल विवेक ओबरॉय से मिलती है, तो मुझे 100 बार मतलब ये 390 बार बोल चुके हैं लोग, और मुझे कम से कम 60 बार बोल चुके हैं लोग बुशमिल्स ओरिजिनल लेके आने के लिए। मुझे पता भी था दिल्ली में मिलती है भाई, 2025 रुपये की ले ली हमने बुशमिल्स, और ये 700 मिलीलीटर की बॉटल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैमिसन के बाद कोई कलाकारी समझ आई है तो शायद बुशमिल्स की के बारे में सुना है। बॉटल देखिए यार इसकी बॉटल में लिटरली एक ऐस है जहाँ पे यू नो डिम्पल्ड ऐस है, तो आप जो होल्ड करते हो इट्स लाइक होल्डिंग यू नो व्हाट द बिगिनिंग ऑफ समवन्स कर्व। और भाई अगर 50-60 बार बुशमिल्स की रिकमेंडेशन आई है तो कम से कम 200 बार फेमस ग्राउस की आई है। ये पेकट फेमस ग्राउस का है, ये 1500 का हमने कैप्चर कर लिया भाई। अब मेरा मन तो है कि भाई एक ही वीडियो में दोनों डाल दूं आपके लिए, क्योंकि भाई आप लोग भी कहेंगे भाई इतना समय किसके बात है कवर बादशाह, तू है सचिन प्रीत, तू है लहू लुहान, तू है कलाकार, तू है मुंडा गबरू 40 साल, 40 का नहीं 39 का हूँ मैं, 40 सौ का क्यों 40 बोलते रहता हूँ मैं, क्यों अपने लिए इतने सारे खिलवाड़ और समझौते और यू नो मुकदमे करता रहता हूँ मैं, समझ नहीं आई बॉटल। रुको, ये है आपकी बुशमिल, घुलमिल बुशमिल यू नो, और बहुत सुना है इसके बारे में, बड़ा मस्त लगता है मेरे को स्टिकर, मस्त लगता है ये जीटा बिल्टेक जो है ना, बिल्टेक वाले आजकल दारू बेच रहे, शराब पीना सेहत लई हानिकारक है। और ये रही आपकी फेमस ग्राउस, मुझे लगा भाई ये मुझे देगा नहीं, इसमें से निकाल के बॉटल देगा, पर भाई ने पूरा पैकेट चिपका दिया भाई, उसको निकालने में मेरे ये बॉटल काफ़ी टाइम लगा था, 10-15 मिनट लगे थे, मजाक कर रहा हूँ, 4-6 मिनट लगे होंगे, बट उस वक्त लगा था 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि जब ठेके में जाते रहो तो ऐसा लगता है कि सब पे आप पे एहसान कर रहे हैं, ठेका आप पे एहसान कर रहे हैं आपको बेच के भाई, तो मैं इतने प्यार से तो भाई गुरुद्वारे भी नहीं जाता जितने प्यार से मैं ठेके जाता हूँ। और फेमस ग्राउस के बारे में मैं क्या कहूँ, देखना पड़ेगा इसमें क्या है भाई, इसमें चिकन तो नहीं है क्योंकि आजकल मैं कह रहा था चिकन तो नहीं है क्योंकि मैंने आजकल नॉनवेज छोड़ा हुआ है। जी हाँ मैंने नॉनवेज छोड़ा हुआ है, मेरा है। चलो पकाऊंगा नहीं, वीडियो में एंटरटेन करूंगा आपको। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो लाइक कर दो भाई, कसम से यार मुझे बाकी सारे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं बाकी सारे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बोरिंग। अरे एक्सीडेंट हो गया, ये बच्चों की गाड़ी में मार दी इसने, होंडा सिटी वालों को लगता है भाई कि गाड़ी पता नहीं क्या है, शूमेकर है, और ये बेचारे दो बच्चे, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला किसी की भी, क्योंकि इंश्योरेंस होगा तो करा देना भाई ठीक, बट फिर भी यार दिक्कत कितनी आती है यार, ये देखो कैसे मार दी यार, और इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, ये दीदी बहुत गुस्सा हो रही है। लग रहा है कोई लपड़े होंगे, वो इंग्लिश में बोल रहे भाई, अपने को इंग्लिश आती नहीं है, बट हम भी सीख जाएंगे हम, बट पूरी प्रॉपर लड़ाई चल रही है यहाँ पे। चलो यार किसी की मुसीबत पे नहीं, देखो बच्चे अगर तुम भी हो वो जो उधर लड़ रहे हो अपने I-10 के सामने, अरे बंदे में क्या अकल है भाई ने बिल्कुल गाड़ी के सामने पार्क कर दी अपनी, ये देखो भाई इसने अपनी I-10 गाड़ी के सामने पार्क कर दी कि तू निकल के दिखा यहां से, यू नो मैं जाके बचाऊ क्या इनको, जो अंदर बैठा होंडा सिटी में बैठी है जो भी है, बचाऊ, एक बार बचा चुका हूं मैं ऐसे लोगों को, तो मुझे डर लग रहा है भाई इन लोगों से, ये जो छोटी बच्ची ये ले लेगी मेरी फालतू में, ये
कहेंगे तू कहाँ से आए, टीपू सुल्तान, सुलक्खन सिंह, सचिन प्रीत। मैं कहूँगा मैं फ्लाईओवर के उस पार से आया हूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है माहौल, सब इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा शो हो रहा है यहाँ पे, सबको लग रहा है कि यार ये देखो चलो घूरने का बहाना मिल गया। ओके गाइस, सो मैंने इंटरवीन किया एंड आई टोल्ड द किड्स दैट दिस इज नॉट वर्थ इट, वो आंटी वॉज नॉट विलिंग टू वेट फॉर एनीथिंग। उनका थोड़ा सा बम्पर निकल गया था, विच आई नो इज सैड बिकॉज वो बंदा उसकी गाड़ी चला रहा था लड़की की, एंड आई डोंट नो इफ दे आर लाइक कजन्स और दे आर डेटिंग, आई एम नॉट रियली श्योर। तभी उनकी थोड़ी फटी हुई थी कि वो लड़की की मॉम बहुत स्कोल्ड करेगी उसको। मैंने बोला यार तुम किसी पेट्रोल पंप पे जाओ, बंदे को 200 रुपये दो, वो तुम्हारा बम्पर ठीक कर देगा, ये आंटी तो नहीं सुनने वाली, दिल्ली की आंटी भाई। आंटी कह रही है इनको जिसको बुलाने बुलाने, तो मैं नहीं रुकूंगी, एंड दे वर जस्ट गोइंग बैक एंड फोर्थ। आई डोंट नो ब्रो, यू आर हाफ माय एज, आई रियली रेकमेंड कि यू गेट द हेल आउट ऑफ हियर, इट्स नॉट वर्थ इट, दिस साउथ एक्सटेंशन, यू इन फ्रंट ऑफ अ फकिंग ठेका, व्हाई द हेल यू वांट टू टेक अ पंगा मैन, यू नो। उसको 3-4 बार मुझे समझाना पड़ा, आई से दिस इज नॉट इवन एनी डैमेज टू योर कार, बम्पर थोड़ा सा निकल गया, क्या हो गया भाई, you know, unfortunately it's just how it is, and I said these are some lessons which you have to learn how to live in Delhi, man. Sorry guys, aap logo bhashan de raha hu, anyways I'm glad they were very good kids, very respectful and all that, and the lady was trying to drive the car over them to go away, man, you know, and anyways meri aadat yaar intervene karne ki, mera hai thoda, mera hai, chalo bye yaar। ek aur cheez bachcho ko main bolna bhool gaya yaar, mere channel ko subscribe karne ke liye yaar, to do subscriber reh gaye yaar mere, kuch acha seekhte mere se, shit yaar। चलो कोई नहीं, आप लोग किसी दो लोगों को ढूंढ लेना जिसको आप बोल दो मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद।